हो गया। तब पता नहीं कहां से बाबा जी आ गए मेरी जिंदगी में और सब बदल दिया। सालों से तो मैं ही करती आ रही हूँ, परंपरा है ये आश्रम की। परंपरा वो जो मैं तय करूँ, अधिकार वो जो मैं बताऊँ। आश्रम 2 के बाद क्या हो चुकी है आश्रम 3 की तैयारी, क्या होने वाली है आश्रम 3 की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। क्राइम ड्रामा वेब सीरीज आश्रम के दूसरे सीजन को दर्शकों का खूब प्यार मिला, अच्छी खासी प्रतिक्रिया भी मिली और आश्रम 3 का इंतज़ार अब सबको है। फैंस अब इसके तीसरे सीज़न के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब ये सीरीज़ आए। और प्रकाश झा ने इसे निर्देशित किया था और बनाया भी था। बॉबी देओल के साथ प्रीति सूद इसमें नज़र आई थी। दोनों सीज़न में उनके रोल को काफ़ी पसंद किया गया था। एक्ट्रेस ने अब अगले सीज़न के प्लॉट का भी खुलासा कर लिया है। आपको बता दें, वेब सीरीज़ में अपना अनुभव शेयर करते हुए प्रीति कहती हैं कि आश्रम में काम करना किसी सपने को सच करने जैसा है। वो बॉबी की बहुत बड़ी फ़ैन है और जब उन्हें पता चला कि उन्हें ये किरदार ऑफ़र हुआ है तो वो उनके लिए वाव मोमेंट था। इतने प्रतिभाशाली और मेहनती स्टार के साथ काम करने का अनुभव शानदार रहा, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन सबसे बढ़कर वो काफ़ी विनम्र और ज़मीन से जुड़े हुए और बेहद सपोर्टिव है। और उन्होंने ये कहकर मुझे प्रोत्साहित भी किया कि तुम बेहद अच्छी कलाकार हो, तुम काफ़ी इम्प्रेसिव हो। तो खूब तारीफें की हैं प्रीति ने उनकी। और वाकई बॉबी देओल का क्रेज़ अगर 90s की बात करें, बरसात से ही बहुत भयंकर था। और एक बार फिर से बॉबी ने जो कमबैक किया, लोगों को फिर से अपना दीवाना बना दिया। इसके अलावा प्रीति ने अपने किरदार के बारे में कहा कि अगर मुझे दो शब्दों में अपने किरदार का वर्णन करना हो तो सनोबर एक साइलेंट किलर है। वो कम शब्दों में अपनी बहुत सारी भावनाएं व्यक्त कर लेती है। तीसरे सीज़न में हम सरोवर की कहानी को का खुलासा करेंगे, यानी कि तीसरा सीज़न भी दोस्तों तैयारियां हो चुकी है, यानी कि प्लॉट भी तैयार हो चुका है जिसमें कि सनोवर के किरदार का खुलासा किया जाएगा। आपको बता दें, आश्रम की कहानी काशीपुर वाले बाबा निराला के इर्द गिर्द घूमती है जो बुरे कामों में लिप्त है। बॉबी देओल की मुख्य भूमिका वाली इस सीरीज़ में दर्शन कुमार, अनुप्रिया गोयनका और अध्ययन भी हैं। तो कैसी लगी थी आपको आश्रम, कैसा लगा था इसका कॉन्सेप्ट और कितना इंतज़ार है आश्रम 3 का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।